खरगोंजिले के सनावर थाना क्षेत्र में पदस्थ नायब तहसीलदार का चार पहिया वाहन शुक्रवार दोपहर सड़क हादसे का शिकार हो गया। बोलेरो वाहन में सवार होकर खरगोन आ रहे नायब तहसीलदार का वाहन मछल गाँव के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में नायब तहसीलदार सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य बाल बाल बच गए, जबकि वाहन चालक को गंभीर चोटें आने से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल पहुंचे नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर ने बताया, हादसे में चालक सुरेंद्र मंडलोई घायल हुए हैं, जिन्हें गोगावा में प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन लाया गया। हादसा अचानक वाहन के सामने कुत्ते के आ जाने से हुआ। कुत्ते को बचाने के फेर में वाहन पलट गया। हादसे में नायब तहसीलदार को भी हल्की चोटें आई है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। हम सनावत से खरगोन में कमिश्निंग की ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे, तो गोगांव से पहले मछल गांव वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ है। क्या कारण है? कैसे सामने एक कुत्ता आ गया तो गाड़ी नियंत्रित नहीं हो पाई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? घायल बस ड्राइवर ही हुआ है। हम दो, मैं और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब, हम दो पीछे बैठे थे, हमें कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर घायल? हाँ। मछल गाँव में कुत्ता आ गया था। हाँ, कुत्ता आ गया। क्या नाम है सर ड्राइवर? सुरेंद्र मंडलोई। कहाँ के निवासी? ये निवासी भिगन गांव के। कहाँ से आ रहे थे आप? सनावत से। कहाँ जा रहे थे? खरगोन में कमिश्निंग की ट्रेनिंग थी आज। क्या नाम लिखते सर? प्रवीण सिंह चंगर, मैं नायब तहसीलदार सनावत। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।